Hi, my name is Namit Shah. I'm an actor and I'm known for my role of Kabir from the Disney show Sweet Life of Karan and Kabir. जो मेरी एक्टिंग की जो लाइफ है वो कुछ ऐसे शुरू हुई कि मैं एक मॉल में था बचपन में, जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, और एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का ग्रुप पूरा बैठा हुआ था, और उन्होंने मुझे देख के उनको ऐसा लगा कि ये बंदा क्यूट है, टीवी पे आ सकता है, ऐसा फेस है. तो इसीलिए उन्होंने मेरे मॉम डैड को अप्रोच किया और उन्होंने उनका कार्ड दिया कि अगर आपके बेटे को आपको इस इंडस्ट्री में डालना है तो कॉन्टैक्ट करना. और मम्मी पापा ने पूछा कि टीवी में जाना है, मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला ठीक है ट्राई करते हैं. तो वैसे एक एड ट्राई की, एड फर्स्ट ऑडिशन पे ही मुझे अपनी पहली एड मिल गई थी जो HSBC बैंक कमर्शियल के लिए थी जो UK में लॉन्च होने वाली थी. एंड बिकॉज ऑफ दोज एड्स आई गॉट माई फर्स्ट शो विच वॉज एक सफ़र ऐसा कभी सोचा ना था. उसके बाद माई होल जर्नी स्टार्टेड इन द TV डेली सोप इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कबीर का जो किरदार प्ले किया था उसमें कबीर की पूरी लाइफ एंजॉय की थी. मैं एक स्कॉलर था जो मैं रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं, तो मुझे पता चला था एक स्कॉलर की लाइफ कैसी होगी. अगर मैं एक होटल में रहूँगा, एक 5-स्टार होटल के एक स्वीट में रहूँगा, तो वो एक्सपीरियंस कैसा होगा. तो वो पूरा मतलब मुझे इन्जॉय करने मिला था. वो पूरी जर्नी मैंने 4 साल तक लिव की थी, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग डील. तो मतलब वो रियल लाइफ में ऐसे होता नहीं है, कोई इमेजिन नहीं कर सकता, कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकता. बट अगर आप एक एक्टर हो, अगर आप ऐसे शोज कर रहे हो, आपको हर एक चीज़, इवन इफ मेटाफोरिकल है, वो आपको इमेजिन करने मिलती है, आपको वो लाइफ लिव करने मिलती है, आपको पता चलता है अगर ऐसा कुछ हुआ तो कैसा हो. एक्टर होने के काफ़ी फायदे तो है, एंड मतलब अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो आपको अचीवमेंट भी मिलता है. वैसे सच कहूँ तो मुझे काफ़ी कुछ मिला है जो बहुत ग्रैंड है. फॉर एग्ज़ाम्पल, डिज्नी की तरफ से मुझे ऑलमोस्ट पूरे इंडिया का टूर मिला था, और मैं इंडिया के ऑलमोस्ट सारे 5-स्टार होटल्स में रुक चुका हूँ. मैं हांगकॉन्ग डिज्नीलैंड फ्री में गया था 8 दिन के लिए. मैं वहाँ पर रहा हूँ, मैंने इन्जॉय किया है, सब किया है. माई बिगेस्ट अचीवमेंट अकॉर्डिंग टू मी वॉज जब मैं एक कॉम्पिटिशन में परफॉर्म करने गया था, तभी मैं था एक पार्टिसिपेंट. नेक्स्ट ईयर, कॉज ऑफ व्हाट आई डिड इन लाइफ, आई वाज द जज और द चीफ गेस्ट ऑफ दैट द कॉम्पिटिशन, द सेम कॉम्पिटिशन, जस्ट 2 डिफरेंट ईयर्स. एंड दूसरी चीज़ कि अगर मैं रास्ते पे चलता हूँ या अगर मैं कोई ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पे मेरे एज ग्रुप के या मेरे एज ग्रुप के आजू बाजू के बच्चे होते हैं, वो मुझे जानते हैं कि मैं कबीर हूँ, और उनके मुझे देख के उनके मुंह पे जो स्माइल आती है ना, ये कबीर है, हम लोग इसको चाइल्डहुड में देखते थे, ही एंटरटेन्ड अस एंड ऑल दैट. तो मतलब वो लोगों की तरफ से जो प्यार मिलता है, जो अट्रैक्शन मिलता है ना, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक ज़्यादा अप्रिशिएटिव कुछ हो भी सकता है ये लाइफ में. तो उसमें मज़ा तो काफ़ी आता है, बट टू बी ऑनेस्ट काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ भी थी. अब आप सोचोगे कि मतलब बच्चे, चाइल्ड एक्टर को क्या डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट ट्रस्ट मी, चाइल्ड एक्टर को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, बिकॉज उसे स्कूल भी मैनेज करना पड़ता है, उसे एग्जाम्स भी मैनेज करने पड़ते हैं, उसे क्लासेस भी अटेंड करना पड़ता है, फेल हो जाएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा. तो मतलब अगर मैं सेट पे होता था, नेक्स्ट डे एग्ज़ाम होता था, तो सेट पे मतलब जहाँ पे मुझे ब्रेक मिलता था रेस्ट करने के लिए या खाने के लिए, मैं वो ब्रेक यूटिलाइज करता था पढ़ने के लिए, चीज़ें समझने के लिए फ़ोन पे. तो जितना होता था ऐसे में ब्रेक्स बीच में रेस्ट करने के बदले मैं पढ़ता वढ़ता था, और एग्ज़ाम में कुछ भी करके मेरा जो मार्क था 80-85% वो मैं लेके आता था. एक चीज़ ध्यान में रखना, एक्टिंग कोई जॉब नहीं है. भले उससे पैसा बन रहा है, भले आपको मतलब फेम वगैरह मिल रहा है, बट इट्स नॉट अ जॉब. एक्टिंग प्ले होता है, एक मतलब वो खेलने वाली चीज़ है. आपको इन्जॉय करना है उस चीज़ को. अगर आप इन्जॉय नहीं करोगे, अगर आप उसको काम की तरह लोगे, तो आप कभी मतलब आपको खुद ही फिर मन उठ जाएगा एक्टिंग से. तो लाइफ में कभी भी आपको अगर चांस मिल रहा है, उसको वर्क जॉब की तरह मत लेना, उसको एक खेल की तरह लो, खेल लो, ख़त्म करो.